Hello everyone, welcome back to our channel Success Edutech. Don't forget like, share and subscribe to our channel. My name is Gajanan. Today we are continue our chapter number 3 from algebra, that is arithmetic progression. In arithmetic progression we have already covered 4 points, that is what is meant by sequence, how to find the n term of an AP, find the last terms of an AP, find the summation of n terms of an AP and problems on this. We have already discussed this problem in previous lectures. Now today we are continue or completing our last portion of a chapter, that is word problem based on the summation of n terms of an AP. Now let's start our today's session. That is mentioned. Now read the problem carefully. In the year of 2010, in the village, there were 4,000 people who were literate. Every year, number of literate people increased by 400. How many people will be literate in the year up to 2020? So, आपको पहले problem समझा देता हूँ क्या है. So, 2010 में 4,000 ऐसे लोग थे जो literate थे, यानी पढ़े हुए थे. Then उसके बाद 400 पीपल इंक्रीज हुए, मीन 400 लोग बढ़ोती हुई, कितने 2000 साल के जितने लोग थे उनमें 400 लोग बढ़ गए जो लिटरेट थे. और सो हाउ मेनी पीपल विल बी लिटरेट इन द ईयर ऑफ 2020. सो 2020 में ऐसे कितने लोग होंगे जो लिटरेट होंगे. सो सबसे पहले दैट इज ईयर, दिस इज योर ईयर 2010. 2010 में कितने थे? 4000 लोग थे. सो 2011 जब आएगा तब कितने हो गए, कितने बढ़े? 400. तो 4400 हुए. 2012 जब आएगा तब कितने बढ़ेंगे? 400. सो 4800. ऐसे करते करते आपको 2020 तक जाना है. तो 2020 में कितने लोग बढ़ेंगे ये आपको निकालना है. दैट इज योर टी एन, एन का वैल्यू, टी एन का वैल्यू लास्ट टर्म का वैल्यू निकालना है. सो वी हैव नो द फॉर्मूला ऑफ टी एन. टी एन इक्वल टू ए प्लस इन ब्रैकेट एन माइनस वन ब्रैकेट कंप्लीट इन टू डी. सो टी एन का फॉर्मूला लगाना है. आपके पास ए का वैल्यू है, ए मीन्स योर फर्स्ट टर्म, डी मीन्स योर कॉमन डिफरेंस, एन इज नथिंग बट योर नंबर ऑफ टर्म्स. तो 2010 से 2020 तक कितनी टर्म्स है आपकी? 2010 से 2020 तक कितनी टर्म्स रहेगी आपकी? 11. सो व्हाट इज योर एन वैल्यू? आपकी एन की वैल्यू क्या रहेगी? 11. सो अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ टी एन. टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन ब्रैकेट एन माइनस वन इन टू डी. सो डी इज नोन, दैट इज 400, ए इज 4000. सो अप्लाइंग फॉर्मूला और पुटिंग द वैल्यूज इन योर फॉर्मूला, सो वी गेट 4000 प्लस 11 माइनस वन इन टू 400. सो 4000 प्लस 4000 वी गेट 8000. सो इन 2020 8000 पीपल्स विल बी लिटरेट. 2020 में कितने पीपल्स लिटरेट हो गए आपके? पूरे 8000. सो आई होप क्लास आपको ये प्रॉब्लम समझ में आएगा. इससे और आगे आपके जो भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है उसको जितना इजी हो सके आपको सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश करें. आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो नाउ रीड द प्रॉब्लम केयरफुली. सो इन 2015, 2015 में मिस्टर शेख गॉट अ जॉब विथ अ सैलरी 1,80,000 पर ईयर. सो इनकी सैलरी कितनी है? 1,80,000 रुपये सालाना की सैलरी है. सो हर एम्प्लॉयर एग्री टू गिव 10,000 रुपीज पर ईयर एज एन इंक्रीमेंट. मीन्स इनके डिफरेंस कितना रहेगा? 10,000 रुपये साल की इनकी क्या होगी? बढ़ोती होगी, यानी 10,000 रुपये उनको एक्स्ट्रा मिलेंगे. देन हाउ इन हाउ मेनी ईयर्स एनुअल सैलरी विल बी 2,50,000. मीन्स कितने सालों में उनकी सैलरी 2,50,000 रुपये होगी आपको ये निकालना है. सो यू हैव टू कैलकुलेट हियर एन इक्वल टू हाउ मच. तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है? एन का वैल्यू निकालना है. सो कहाँ से स्टार्ट हुआ इनका? 2015. सो मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट ईयर का क्या है, 2015 में उसकी क्या है? 1,80,000.
2016 में 1,80,000 प्लस 10,000, सो 2017 में ऐसे बढ़ते बढ़ते 2,50,000 तक आनी होगी। तो आपका TN का वैल्यू इज नोन टू यू, सो TN का वैल्यू क्या है आपके पास 2,50,000, एंड A का वैल्यू इज ऑल्सो नोन, दैट इज 1,80,000, एंड D इज ऑल्सो नोन, सो यू कैन फाइंड आउट N वैल्यू इजीली। सो आई होप आपको पता है अभी कौन सा फॉर्मूला लगाना है। सो अभी फॉर्मूला क्या लगाना है आपको TN का। सो वी नो दैट TN इक्वल टू A इक्वल टू एंड D इक्वल टू, आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज वी गेट एन माइनस वन इंटू 10,000 इक्वल टू 70,000। सो ये 10,000 इधर डिवाइड में हो जाएगी, तो एन माइनस वन इक्वल टू वी गेट 7, सो एन इक्वल टू वी गेट 8। तो आपके कितने साल के बाद, आफ्टर 8 ईयर हर एनुअल सैलरी विल बी 2,50,000। आई होप आपको समझ में आया होगा, नथिंग इज डिफिकल्ट इन योर वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ अ AP, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी वर्ड प्रॉब्लम है सिंपल है, यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट, ओनली आपको क्या फाइंड आउट करना है A और D एंड N की वैल्यू। इफ़ यू नो दिस डाटा देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ TN और समीशंस। सो आई होप गाइज और क्लास आपको समझ में आ चुका है कैसे सॉल्व करना है प्रॉब्लम्स। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड अ प्रैक्टिस सेट नंबर। रीड द प्रॉब्लम फर्स्टली, इन ऑन 1 जनवरी 2016 सानिका डिसाइडेड टू सेव 10 रुपीज, 11 ऑन नेक्स्ट डे, 12 ऑन थर्ड डे। इफ शी डिसाइडेड टू सेव लाइक दिस देन 31 डिसंबर व्हाट विल बी हर टोटल सेविंग। सो अभी आपको क्या निकालना है, 2000 सानिका नाम की एक लड़की है जो आपकी डेली के सेविंग्स कर रही है, कहाँ से स्टार्ट किया उसने, 1 जनवरी से स्टार्ट किया, कब, 2016 में। तो उसके पास पहले दिन कितना था, 10 रुपये था, दूसरे दिन कितना सेव कर रही है, 11 रुपये, तीसरे दिन 12 रुपये, चौथे दिन 13 रुपये, ऐसे करते 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 उसकी सैलरी 367वें दिन कितने अमाउंट जमा होगी वो निकालना है, दैट इज अ समेशन। वी हैव टू कैलकुलेट सम ऑफ ऑल रुपीज ही हैव सेव, सी सेव। सो नाउ लेट्स सी दिस आर गिवन डाटा, ए इक्वल टू 10, एन इक्वल टू 366, सॉरी अभी 366 चाहिए क्योंकि दिस इज अ लीप ईयर 2016, सो देयर नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 366। सो डी इक्वल टू 1 बिकॉज दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 और 11 के बीच में 1 का डिफरेंस है, दैट इज योर डी। सो वी नो द ए एन एंड डी, सो नाउ अप्लाई द एस एन फॉर्मूला, समीशन दैट इज एस एन इक्वल टू एन बाय टू इन ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट एन माइनस वन इन टू डी ब्रैकेट कंप्लीट। सो पुट द वैल्यूज ऑफ ए डी एंड एन, देन वी गेट एस एन इक्वल टू 366 डिवाइडेड बाय 2 मल्टी इन ब्रैकेट 2 इन टू 10 प्लस 366 माइनस 1 इन टू 1। सो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट एस एन इक्वल टू 366 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 20 प्लस 365, 20 प्लस 365 इज नथिंग बट 385, 385 मल्टीप्लाइड बाय 183, सो वी गेट 70,455 रुपीज एट द एंड ऑफ द ईयर। सानिका के पास कितने पैसे रहेंगे, सानिका के पास कितने पैसे रहेंगे आपके, सानिका के पास कितने पैसे रहेगी, दैट इज अ 70,455 रुपीज विल बी सेव। सो कितने पैसे बचाएगी वो, 70,455 रुपये वो बचाएगी एट द एंड ऑफ द ईयर, सेविंग में होंगे उसके। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट, फर्स्टली रीड द प्रॉब्लम। देयर इज इन ऑडिटोरियम, एक ऑडिटोरियम हॉल है विथ 27 रो, कितने रोज है, 27 रोज है। देर आर 20 सीट इन फर्स्ट रो, 22 सीट्स इन सेकेंड रो, 24 इन थर्ड रो एंड सो ऑन। सो वॉट, फाइंड द नंबर ऑफ सीट इन द 15th रो। सो आपको 15वें रो में कितनी सीट्स है एंड हाउ मेनी टोटल सीट्स इन अ
देयर ऑडिटोरियम आपको कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, ए इज 20, एन इक्वल टू 27, डी इक्वल टू 2। सो नाउ अप्लाई एस एन फार्मूला, समेशन निकालना है ना भाई, क्या निकालना है आपको यहाँ पे, समेशन। आपको समझ में आ रहा है, तो आपको समेशन निकालना है। सो समेशन निकालने के लिए क्या है, एस एन का फार्मूला। सो अप्लाई करेंगे, वी नो द ए एन एंड डी वैल्यूज, सो पुट द वैल्यूज इन द इक्वेशन। आफ्टर पुटिंग वैल्यूज वी गेट एस एन इक्वल टू समेशन, कितना मिलेगा, दैट इज अवर 1242। दिस इज योर सम और टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन योर ऑडिटोरियम। सो आपको कितनी सीट्स मिलेंगी देखने को, 1242 सीट्स देखने को मिलेगी। आई होप ये समझ में आया होगा कैलकुलेशंस, दिस इज योर कैलकुलेटिव पार्ट, यू हैव टू सॉल्व इट। सो 26 मल्टीप्लाइड बाय 2 वी गेट 52। सो यहाँ पे 52 चाहिए, सॉरी 46 नहीं, यहाँ पे 52 चाहिए मल्टीप्लाइड बाय 27। सो राइट, 52 प्लस 40 वी गेट 88। 88 से डिवाइड करेंगे 92। आफ्टर डिवाइडिंग 92 वी गेट दिस वन। सो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट एस एन इक्वल टू 1242। सो नाउ आपको क्या निकालना है, कितनी सीट्स है इन ऑडिटोरियम एट द 15th रो। सो वी नो द टी एन फॉर्मूला, सो अप्लाई टी एन, दैट इज ए एन, ए 15 में निकालना है, ए नोन 15 माइनस 1 इंटू 2। सो आफ्टर पुटिंग वैल्यूज, 15वें रो में आपकी कितनी चेयर्स रहेगी आपको निकालना था, दैट इज 48 चेयर्स रहेगी इन ऑडिटोरियम और सीट्स रहेगी, सीट्स और चेयर मे बी सेम। सो आपको 15वें रो में कितनी चेयर्स मिलेंगी देखने को, 48 चेयर्स विल बी एट इन अ 15th रो एंड नंबर ऑफ सीट्स आर दैट इज 1242 सीट्स इन अ ऑडिटोरियम। आई होप यू आर क्लियर दिस डाउट और अ प्रॉब्लम्स। नाउ इफ यू गेट एनी प्रॉब्लम्स और एनी प्रॉब्लम्स इन अ सॉल्यूशन, प्लीज मेंशन इन अ कमेंट सेक्शन। At the last end, I will provide you the WhatsApp number. You can mention or share your doubts on that. So I will be there to clear your doubts each and every. Now let's see the. So divide the 207 in a 3 parts such that all parts are in AP. आपको क्या दिया है? 3 parts को divide करना है 2207 में. Sorry, 207 में आपको divide करना है 3 parts को जो AP में रहेंगे. The product of two smaller numbers will be 4623. So जो दो numbers रहेंगे उसका product दिया है 4623 और दो तीन parts दिए। So सबसे पहले parts देख लेते हैं कौन कौन से हैं। So मुझे parts पता नहीं तो मैं consider करता हूँ। Let a minus d, this is my first part, a is second part, a plus d third part। So मुझे इन तीनों को बांटना है तो मैं क्या करूँगा, simply इसका addition करूँगा, 207 में बांटूंगा। So after dividing these three numbers into the 2007, we get a equal to 69. So मुझे a का वैल्यू मिल चुका है, तो मुझे पता है दो स्मॉलर नंबर का प्रोडक्ट क्या दिया है, a 4623. So आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है। सो नाउ a इन ब्रैकेट a माइनस डी वी गेट, सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 69 माइनस 67, we get d equal to 2. So we get a values of d and a. So this is our, so आपका पहला नंबर अगर a is your first number, तो second number क्या रहेगा, इससे कम, a minus d, तो 67 is your first number and 69 is your second and 71 this is your third numbers. So आपके numbers क्या रहेंगे, 67 this is your first number, 69 this is your second number and 71 this is your third numbers. I hope you are clear how to solve problems of arithmetic progression. If you have any doubt or any difficulty face, you can mention or ask in a comment section. Now let's see the next problems from your problem set 3. सो आपके प्रॉब्लम सेट में गए,
नंबर्स है, या फिर मैं सिर्फ आपको हिंट प्रोवाइड करूंगा और आपको इसके आंसर मुझे व्हाट्सअप करना है। यू मस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। सो फर्स्टली ये आपका होमवर्क है, ऐसे समझ के चलिए, मैं हिंट दे रहा हूँ सिर्फ। टी एन इज नोन, दैट इज पढ़ लेते हैं प्रॉब्लम। फॉर द गिवन ए पी, टी एन इक्वल टू, टी सेवन इक्वल टू फोर, डी इक्वल टू माइनस फोर, देन फाइंड ए। सो वी नो द वैल्यू ऑफ टी एन, दैट इज टी सेवन। सो अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ टी एन, यू गेट अ वैल्यू ऑफ ए हियर। सो टी सेवन का लगाइए, एन इज नथिंग बट योर सेवन, डी इज ऑल्सो नोन, यू हैव टू कैलकुलेट ए। सो अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ टी एन हियर। सो नाउ इन दिस प्रॉब्लम ऑल्सो यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ टी एन, एंड सिक्स वन ऑल्सो यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ टी एन, एंड सेवन ऑल्सो। इन ऑल द प्रॉब्लम्स यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ टी एन। रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी और अ प्रॉब्लम व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, यू जस्ट मेंशन योर डाउट्स ऑन माई व्हाट्सअप नंबर और पुट योर ऑन माई व्हाट्सअप नंबर्स। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग और व्हाट इज हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम्स। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। सक्सेस एज यू टेक। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू वंस अगेन।